भाई भारत सरकार ने अप्रूव दे दिया है, है ना, कि फार्मेसी क्लिनिक चला सकते हैं जी, है ना। और जहाँ तक ये बात है कि भाई अकेले नहीं चला सकते, क्यों नहीं चला सकते हैं, जब पीएससी में या न्यू पीएससी में बिना डॉक्टर के फार्मेसी चला रहा है और सारे चीज़ें सर ट्रीटमेंट कर रहा है, कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं कर सकता है। जैसे कि संदर्भ में एक जियो भी लागू हुआ था, उसके अंतर्गत क्या क्या मामले थे, जियो के अंतर्गत की क्या चला सकता है या नहीं चला सकता, क्या पूरा मामला था चलाने, मतलब क्लिनिक चलाने में क्या है कि जो है इंजेक्शन लगा सकता है, बोतल मतलब डीप चढ़ा सकता है, दवाई दे सकता है फार्मेसी क्लिनिक में, बाकी और चीजें नहीं कर सकता। मतलब कि अगर वो गवर्नमेंटेड हो जाता तो सरकारी अस्पताल में पेशेंट देख सकता है, अगर गवर्नमेंटेड नहीं होता तो प्राइवेट अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकता उसी हिसाब से। ये चीज है ना, सरकार की जिम्मेदारी की हमारी जिम्मेदारी फार्मेसी की है। तो सरकार तक आप क्या बात पहुँचाना चाहते हैं? सरकार के पास ये पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई अगर न्यू पीएससी में या सीएससी में या पीएससी में फार्मासिस्ट क्लिनिक चला सकता है, आपका मतलब देख सकता है, वहाँ पे सारी चीजें कर सकता है बिना डॉक्टर के, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता है? संभवतः तहसील में कितने फार्मासिस्ट होंगे आपके अनुसार? मेरे अंदाज से कम 250 तो होगा करेगा कम से कम फार्मासिस्ट।